आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार से सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है, हाई कोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। जी हाँ, हमने अभी पहले अभी खबर में बताया था कि कल जो है उच्च न्यायालय जो है अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, और अभी अभी जो खबर आ रही है, हम इसे ब्रेक कर रहे हैं अपने चैनल पर, कि पटना उच्च न्यायालय ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। अभी से जहां भी जो कर्मी गणना कर रहे होंगे वो वापस जो है लौट जाएंगे। हम पूरा वाक्य आपको सिलसिलेवार बता दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। इसके पहले हाई कोर्ट में मामले को लेकर दो दिन सुनवाई हुई थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला, जैसा मैंने आपको बताया, वो सुरक्षित रख लिया था। इधर जाति जनगणना पर मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है, हम लोगों ने केंद्र सरकार से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे करने का प्लान किया। लेकिन मुख्यमंत्री के इन बातों का हाई कोर्ट पे, उच्च न्यायालय पे कोई असर नहीं पड़ा और तत्काल प्रभाव से जनगणना, जो बिहार में जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे जो सरकार कह रही है, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब क्या होगा, जानकार जो है, जिन्होंने जानकार जो बताते हैं कि सरकार एवं वेलफेयर संस्था होती है, कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा पेच जो है, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कि यही फंस गया हाई कोर्ट के अंदर कि सरकार ने 500 करोड़ रुपए का व्यवस्था तो की, लेकिन इसे कोई कानूनी अमलजामा जो है वो नहीं पहनाया गया, जिसके कारण जो है हाई कोर्ट इस पॉइंट पर भी अपनी नजर रखे हुए था। अब डे टू डे हम आपको बता दें कि तीन दिनों के अंदर क्या हुआ हाई कोर्ट के अंदर। जातिगत गणना मामले में बीते सोमवार को पहली सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकार की ओर से किए गए काउंटर एफिडेविट रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई को मंगलवार के लिए टाल दिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता सिंह और हाई कोर्ट के अधिवक्ता दीनू कुमार को जातीय गणना को असंवैधानिक करार देने के लिए हाई कोर्ट में दलीलें पेश करनी थी। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, डे टू में क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट में कायदे से पहली सुनवाई मंगलवार को हुई। मंगलवार को जाति गणना को लेकर बहस हुई। एडवोकेट जनरल यानी बिहार सरकार के महाधिवक्ता जो हैं पीके शाही ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि जाति आधारित गणना कराने का उद्देश्य क्या है, इसको लेकर क्या कोई कानून बनाया गया है, पेज कहां कहां फंसे बिहार सरकार के, ये आपको हम बता रहे हैं। कि पूछा कि जाति जनगणना का आधार क्या है, जिसका पीके शाही ने क्या जवाब दिया। जवाब में पीके शाही ने कहा कि दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना कराने का निर्णय लिया गया था, कैबिनेट ने उसी के मद्देनजर गणना कराने पर अपनी मुहर लगाई, यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की सारी तैयारियों पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने का जो बजट दिया गया था, उस पर पानी फिर गया। पीके शाही के दलील को, पीके महाधिवक्ता का दलील, यानी कि सरकार की बातें होती हैं जिसे कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में महाधिवक्ता रखते हैं, लेकिन पटना उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्होंने किसी बात पर गौर नहीं फरमाया और अंततः तत्काल प्रभाव से बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और कुछ ही देर में शायद विपक्ष का रिएक्शन पर इस पर आना शुरू हो जाएगा, हम वो भी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।